नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बीएड जनरल और बीएड स्पेशल, ये 2 इयर्स का जो कोर्स है उसके लिए जो एडमिशन के शेड्यूल है वो डिक्लेयर हो गया है फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 के लिए। ये शेड्यूल डिक्लेयर हो गया और इस शेड्यूल के हिसाब से एडमिशन्स होने वाले हैं एकेडमिक ईयर 2021 के लिए। यहाँ पे टोटल 3 राउंड्स में ये एडमिशन होने वाले हैं। ये जो शेड्यूल है ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया आपको दिखा देता हूँ। ये साइट है beedmahapravet.in। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो सारी प्रोसेस है एडमिशन की वो इसी वेबसाइट के मदद से होने वाली है। आपने जो सीईटी की प्रोसेस की वो mahacet.org वेबसाइट से, यहाँ से आपने सारी बीएड सीईटी की प्रोसेस की थी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो बीएड एडमिशन की प्रोसेस है वो यहाँ से इस वेबसाइट से होने वाली है जिसका नाम है beedmahapravet.in। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए आप वहाँ से इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। आपको यहाँ अलग अलग दिखाई देंगे, होम है या नोटिफिकेशन एडमिशन शेड्यूल है। यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया और उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि एडमिशन प्रोसेस के मेन फेजेस क्या है। फिर भी आप यहाँ पे जाइए और ये डाउनलोड कीजिए और खुद भी पढ़िए ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। तो आइए जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि इस एडमिशन प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है। एडमिशन प्रोसेस की जो स्टेजेस है, जो पहला स्टेज है कॉलेज रजिस्ट्रेशन, ये आपके लिए नहीं है, कैंडिडेट के लिए नहीं है, कॉलेजेस के लिए जो हो चुका है। अब हम इस पर है कि रिजल्ट है, आपका सीईटी का रिजल्ट लग चुका है और आपको जो है 10 दिसंबर मतलब आज ही ये सीईटी का स्कोर कार्ड आ गया, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है एक बार फिर से आइए, beedmahapravet.in इस वेबसाइट को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बीएड सीईटी स्कोर कार्ड की लिंक, यहाँ पर आपका नंबर डालिए और सबमिट कीजिए, आपका सीईटी स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको सेव कीजिए, उसके प्रिंटआउट भी चाहिए निकाल लीजिए क्योंकि ये हमेशा आपको एडमिशन के हर टाइम पर आपको लगने वाली है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए सीईटी स्कोर कार्ड, तो आप रेडी हो जाएंगे एडमिशन की प्रोसेस के लिए। 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर कैप करना है, ऑनलाइन करना है, इसी वेबसाइट पे करना है beedmahapravet.in पर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लॉगिन के ऊपर एक न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब आ जाएगी कल से, जब से स्टार्ट होने वाली, तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और आपको कॉलेज के प्रेफरेंस भी डालने होंगे, ऑप्शन फॉर्म भी भरने होंगे आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये प्रोसेस होगी 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, ऑनलाइन ही होगी, जो कि मैंने वेबसाइट आपको दिखाई है beedmahapravet.in, इसी वेबसाइट पर सारी चीज़ें होने वाली है। आप ध्यान में रखिए बीएड एडमिशन से रिलेटेड सारी प्रोसेसेस इसी यही पर होने वाली है। सारे आपको एडमिशन शेड्यूल है या फिर आपका जो भी प्रोसेस है वो सारे आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान में रखिए अगर 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपको बीएड एडमिशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के डेट्स है 12 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, ये है जो NRIs है या फिर जो ओवरसीज इंडियन उनके लिए है। इसके बाद 12 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसको ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए जब आप अपलोड कर रहे हो तो उसकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, आप वो ज़रूर देख लीजिए, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये वेरीफिकेशन होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी 21 दिसंबर को, आपको ये मेरिट लिस्ट में ये चेक करना है कि आपका नाम सही है, आपका मेरिट स्कोर मतलब जो सीईटी का स्कोर है वो सही है, और आपकी जो भी डिटेल्स और जो भी आपकी कैटेगरी आपने दी है महाराष्ट्र कैंडिडेट या फिर रिजर्वेशन कैंडिडेट जो भी है वो आपको यहाँ पर चेक करनी है। अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी है तो 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आप वो कंप्लेन कर सकती है, उन कंप्लेन पर विचार किया जाएगा 25 दिसंबर तक, और 26 दिसंबर को जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट 5 बजे के बाद आ जाएगी। कहाँ आएगी? इसी वेबसाइट पर आएगी beedmahapravet.in पर, ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद फर्स्ट अलोकेशन है, इसका फर्स्ट अलोकेशन का मतलब है कि आपको 19 दिसंबर को पता चलेगा कि आपने कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है, आपके मेरिट से हिसाब से मेरिट स्कोर कौन सा है, जो आपका सीईटी का स्कोर है वो आपका मेरिट स्कोर है।
मेरिट्स के हिसाब से आपको जो भी कॉलेज मिला होगा आप BEDMahapravesh.in की इसी साइट पर आपको मिल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। और अगर जो भी अगर आपको जो कॉलेज मिला है अगर आपको चाहिए वहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपके लिए 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का टाइम है। उस इन्हीं 4 दिनों में आपको ये एडमिशन करना है। आप 3 जनवरी को जाकर एडमिशन नहीं कर सकते। अगर आपको एडमिशन करना है तो यहीं पर इन दिनों में ही करना होगा। ऐसा तो आपको अगर कैंडिडेट रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन का मतलब ये है कि आपको जब जो आपके पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो आपके लॉगिन में जो एक प्रोविजनल लेटर आता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड करने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज को विजिट कीजिए। कॉलेज में विजिट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो जो आपने इसको एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी दी है अगर वो जानकारी और आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको एडमिशन के लिए फीस भरनी होगी। आपका एडमिशन की फी भरने के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए फीस कितनी है वो मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिए या फिर आप ब्रोशर में भी देख सकते हैं। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ब्रोशर दिया हुआ है वो ब्रोशर में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे फीस दी हुई है। तो राउंड 1 के एडमिशन के लिए सिर्फ 4 दिन है। इन 4 दिनों में आपको एडमिशन करना है। अगर आप मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला है आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है तो आप नहीं कर सकते। सिर्फ उसमें कंडीशन ये है कि आपने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज दिया है तो वहाँ एडमिशन लेना आपको कंपलसरी। अगर आपको अलग 2 से लेकर आगे का प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है तो आप चाहे तो एडमिशन डिनाई कर सकते हो। तो आपको कहीं पे भी जाकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपका एडमिशन आप नहीं जाते रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। उसके बाद आता है राउंड 2। राउंड 2 में फिर से एक बार सारी प्रोसेस की जाएगी। कितने सीट वैकेंट रह गए पहले राउंड के बाद इस ये डिस्प्ले होगा इसी वेबसाइट पे होगा जो है BEDMahapravesh.in पर। 6 जनवरी को जो है वो NRIs के लिए उनकी लिस्ट आएगी, उनके सीट्स कितने वैकेंट है वो उनका मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 5 जनवरी को ये आप ध्यान में रखें, 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में आप फिर से एक बार आपको ऑप्शन फॉर्म एडिट करने का चांस मिलेगा। आपको अगर कोई कॉलेज का प्रेफरेंस आगे पीछे करना है या आपको कुछ आपको अगर कुछ जानकारी एडिट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए आपको 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक की डेट दी हुई है। अगर आप चाहे आपको कुछ जानकारी अगर अपलोड नहीं करना एडिट नहीं कर तो आप इसको जैसे थे रख सकते हैं। आप इसमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको ये करना ही होगा, लेकिन आपको एडिट करना ही होगा ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप जाकर वहाँ पे सिर्फ कंफर्म कर सकते हो आपकी डिटेल जो भी है तो वो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ये फिर से एक बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में और 11 जनवरी को जो है फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी। इसके बारे में अगर कोई कंप्लेंट है तो फिर से एक बार 11 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में उसके बारे में सोचा जाएगा। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 16 जनवरी को आ जाएगी। 16 जनवरी के बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद 18 जनवरी को जो है वो राउंड 2 के सीट जो है वो अलॉट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन से आपके एडमिशन आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना है राउंड 2 के लिए तो 19 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में ही आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने का मतलब है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है और फीस पे करनी है। आपकी फीस पे होने के बाद ही आपका राउंड 2 का एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट अपडेट करेंगे ऑनलाइन खुद, इसमें आपका कोई रोल नहीं, कैंडिडेट्स का कोई रोल नहीं। कॉलेज जो है वो अपडेट करते हैं उनके पास कितने एडमिशन हुए हैं। अब आते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 में जो है वो इंस्टीट्यूशनल राउंड है। इसके लिए कोई अलग फीस नहीं है और ना ही इसके लिए कोई अलग से इंस्टीट्यूशनल कोटा है, ये भी सेम होगा। सिर्फ यहाँ पे हमें जो है कॉलेज में जाकर या फिर हमें ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन कॉलेज को देना है। ये है 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। मतलब जितने कैंडिडेट किसी कॉलेज में एप्लीकेशन करते हैं उनका मेरिट के हिसाब से उनको एडमिशन मिलेगा। ये जो है ये मेरिट के हिसाब से होने वाले सारे एडमिशन जो है वो। तो आपको ये एडमिशन लेना है 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक आपको ये कॉलेज लेवल के एडमिशन्स करना है। अगर उसके बाद भी कुछ सीट रह जाते हैं तो फिर से एक बार मेरिट के बेसिस पर ही 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक एडमिशन कॉलेजेस कर सकती है। अब इस सारे प्रोसेस में जिन्होंने CET दिए वही कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर उनका दूसरा जो क्राइटेरिया है जैसे कि ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स चाहिए जो फुलफिल करते हैं उन्हीं को इस राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 राउंड्स है।
यहाँ के नीचे भी आप जो इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ लीजिए कि ये टेंटेटिव डेट्स है, कभी कभी इसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है कभी किसी कारण पे, तो आपको चाहिए कि आप इस वेबसाइट रेगुलरली विजिट कीजिए और यहाँ पे जो भी रिवाइज टाइम टेबल आता है वो आप टाइम टेबल ठीक से उसके इस टच में रहकर आप पूरी तरह से इस वेबसाइट पर देखते रहिए। तो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, 3 राउंड्स है, राउंड 1 और राउंड 2 जो है वो कैप राउंड है, राउंड 3 जो है तो इंस्टीट्यूशनल राउंड है, लेकिन वो भी मेरिट के हिसाब से ही है, उसमें कोई अलग फीस या अलग कोई रूल्स नहीं होते। ये पूरी प्रोसेस जो है वो 10th of February की को कॉलेज की तरफ से क्लोज की जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्लोज की जाएगी, उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। मेरा फिर से एक बार आपको अनुरोध है कि आप जाइए इस वेबसाइट पे, खुद आप एडमिशन शेड्यूल डाउनलोड कीजिए, ब्रोशर डाउनलोड कीजिए और खुद पढ़िए और देखिए कि कोई भी स्टेप्स आपसे मिस ना हो, ताकि आपका एडमिशन पूरी तरह से हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।